अरे यार व्लॉग करने दो गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ डेली व्लॉगिंग, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को किया है प्रॉमिस। गाइस, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग दैट माय मॉम इज द बिगेस्ट सपोर्टर। इनसे ज्यादा बड़ी चीयर लीडर कोई नहीं हो सकती पूरी दुनिया में। थैंक यू। जो जो जिसका काम है उसको करना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने बोला कि तू ये क्यों सोच रही है कि व्यूज नहीं आएंगे या ये नहीं होगा वो नहीं होगा, यू हैव टू वर्क फॉर इट क्योंकि तूने स्टार्ट किया है। तो आई प्रॉमिस यू गाइज कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं डेली व्लॉग करूंगी, चाहे डेली नहीं तो दो दिन में एक दिन छोड़ के एक दिन जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। सो टुडे इज द डे। और आज मैं जिम नहीं गई क्योंकि सुबह नींद नहीं खुली और मेरी मम्मी की भी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, थोड़ा एक्चुअली उनके बॉडी में बहुत बहुत पेन है, उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। बट एनी वेज, सो अभी तक मैंने ना ब्रश किया है ना नहाई हूँ, बट जो भी होगा आज पूरे दिन में सब कुछ आपको दिखाऊंगी। सृष्टि का था आज ट्यूशन। और सृष्टि तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, टॉप सॉक्स की तरह। इसका 11 बजे का ट्यूशन था, 11:30 बजे इसके टीचर का कॉल आ रहा है, सृष्टि तुम कहाँ हो? कहती थी सर आज 11 बजे का ट्यूशन था। अरे जब मैसेज लेट आया तो मैं क्या करूँ। बेचारी सृष्टि, दिमाग में था पर वैसे लेट हो रही हूँ। ये देखो कृष्णा मेरी टी शर्ट पहने हुए। कृष्णा से हाय, हाय बोल दे तमीज से। वैसे भी लोग तुझे रूड समझते हैं। ये पता है आपको एक बात बताऊं, ये इतना सॉफ्टी है ना, ये सिर्फ ये मेरे लिए तो बहुत सॉफ्टी, भाई तेरे लिए नहीं होगा है ना मम्मी। ये बस व्लॉग में एक्टिंग करता है सीरियस होने की, दैट्स इट। ये ना आइसक्रीम ब्रिक की तरह सॉफ्ट है ना क्रिश? हाँ आइसक्रीम ब्रिक सॉफ्ट होता है जी। हाँ अपने बाल में नहीं भाई, वो करना है। एक्टिंग करती है तू, ये पोलाइट है। हाँ ये पोलाइट है, ये पोलाइट है। मोटी भैंस सांड क्या और किसका नहीं। क्या कह रही हूँ मेरे बच्चे, मन के सच्चे, मन के सच्चे जिंदगी नरक करते मेरे चार बच्चे। और ये चाची सीरियल देखते हुए, क्या चाची कौन सा सीरियल देख रही हो? बेचारी शर्मा जाती है। हाय बोल दो, हाय गाइस। अंजय चाचा बहुत दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ, हाय बोलो सबको। हाय। एक गिटार बजता नहीं है, दो दो लेके बैठे हैं आज, चलो सबको बजा के दिखा दो। ओहो हो ये वाला बजा के दिखाओ। विस्ना भी सिखा रहा है ना। अच्छा अच्छा, पहला क्लास है। गाइस बेसुरा तो नहीं सुना, साउंड किया कर। बाय द वे गाइस, चाचा का बर्थडे आ रहा है, चाचा स्वीट 16 होने वाले हैं। क्या करना चाहते हो आप? ये गाना बजा के सीखना, से सीखना फिर बजाना, फिर इसको फेसबुक पे डालना और फिर वो उसे रिकॉर्ड करके फेसबुक पे डालें। सिखा सिखा, अबे तू सिखाएगा? गाइज फॉर गौरी व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट, शी इज स्लीपिंग एंड मैं 2 घंटे बाद आऊंगी तो अभी शी इज स्लीपिंग। गाइज अच्छी बच्ची की तरह मैंने नहा लिया है और नाउ इट्स टाइम टू पुट मॉइस्चराइजर। एनीवेज माई स्किन इज गेटिंग लिटिल बेटर देन बिफोर, जैसे पहले बीच में बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने से, अभी भी आई एम गेटिंग एक आधी, बट आई थिंक सिचुएशन इज फार बेटर। And this is my OOTD for home, this t-shirt and the shorts. घर में तो सारी लड़कियां देखो ऐसी रहती हैं, घर में कोई हूर की परी बन के नहीं रहता, we all are like this. Am I cute? Yes, I am very cute. ये पराठा एंड भिंडी, that is like one of my favorite food. मेरी मम्मी भी नहा ली है और नाश्ते के नाम पे ये दूध चिवड़ा खा रही हो मम्मी? चिवड़ा नहीं, मैं पराठे खा रही हूँ। और वो क्या क्या है मम्मी? फिर म्यूज़ली। गाइस महंगा फूड खाती है मेरी मॉम। गाइस आई एम बैक। बता आज क्या पढ़ा? मैट्रिक्स पढ़ाई के लिए। मेरे 50 बॉयफ्रेंड है, सबको दिन भर मैसेज करना होता है, तो यू नो फाइनली यू सेड इट ब्रो, फाइनली
तूने रियलिटी एक्सेप्ट तो की गाइस, 50 पूरे मेरे फोन में नहीं है। अच्छा दो दो फोन रखने पड़ते हैं। गाइस फाइनली गौरी उठ चुकी है। गुड मॉर्निंग गौरी, तू सोते हुए थी ना आधे ब्लॉग में। एंड गाइस ये है मेरे दिनचर्या का पार्ट मिस्टर दुष्यंत शर्मा। गाइस गौरी मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने उसे खाना पानी नहीं दिया जब वो मांग रही थी। वांट टू से समथिंग, मत कर भाई, क्या कर रही है यार गौरी। ऑडियंस को तो वैसे ही बहुत ज्यादा ऐसा लगता है बेचारे हमेशा गुस्से में रहती है। यू हैव टू स्माइल भाई, कैसे बना रही है। प्लीज फॉर गॉड टेक स्माइल सम टाइम इन माय व्लॉग। दिख रही थी। ओके गौरी स्माइल स्माइल। तो गाइज अभी मैं हूँ अपने स्टूडियो में और बेसिकली क्या है कि मैं ना लाइव कर रही हूँ आजकल। मैंने रोपोसो के साथ लाइव ज्वाइन करी है तो मैं उनके साथ 15 मिनट्स के लिए लव गुरु बन के आती हूँ। माय गॉड, मैं इंस्टाग्राम पे भी लव गुरु हूँ और अपने रोपोसो लाइव पे भी। सो यहाँ मेरा मेकअप पड़ा हुआ है और मैं मेकअप करूंगी। लेट्स हैव अ क्विक ट्रांजिशन। सो गाइज आई एम रेडी एंड दिस इज हाउ माई मेकअप टर्न्ड आउट। एंड मैंने बहुत कम मेकअप करा है बट लाइटिंग में बड़ा सेक्सी लग रहा है। एनी वे गाइज, सो ये है मेरा सेटअप, मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके सो आई वॉज टेलिंग दैट दिस इज द सेटअप, दिस इज माई न्यू ट्राईपॉड फ्रॉम डिजिटेक एंड दैट वॉज माई ओल्ड ट्राईपॉड। वो थोड़ा सा ना जल्दी से पटक से गिर जाता था और थोड़ा सा मैस मैंने मेकअप करते टाइम थोड़ा क्रिएट किया है। बट वैसे बाय द वे रूम मेरा साफ है कि 10 मिनट्स में आई हैव टू गो लाइव। आई डोंट हैव टू फोन कि मैं आपको दिखाऊँ कि मैं लाइव कैसे करती हूँ, बट इट इज जस्ट लाइक दैट कि मैं अपना फोन ऐसे रखती हूँ एंड देन आई से हाई गाइस वेलकम बैक टू माई लाइव एंड आई एम योर लव गुरु। ऐसे बात करती हूँ मैं। एनी वे गाइस कैमरा को ऐसे मोड में कर लेते हैं क्योंकि हम ब्लॉग कर रहे हैं। एनी वे गाइस सो 10 मिनट्स हैं तो तब तक मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। एंड टुडे टॉपिक इज नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड कैजुअल रिलेशनशिप्स। एक बार मैं लाइव कर लूँ उसके बारे में, कैजुअल रिलेशनशिप्स के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगी आप लोगों से भी। चलो बाय गाइस। मेरे घर की लाइट अंदर की चली गई थी तो मुझे बाहर आके लाइव करना पड़ा, बट इट इज ओके, द लाइव वेंट वेल। सो मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों से सिचुएशनशिप्स और हुकअप्स के बारे में बात करूंगी। बहुत लंबे इस बारे में बात नहीं करना चाहती बट आई हैव रेड दिस एंड मैंने सोचा आप लोगों से मैं शेयर ज़रूर करूँ। देर गौरी तरह तू भी सुन ले साथ, आज गाइस गौरी भी सुनेगी आज का माई बीबी। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि आजकल जो ट्रेंड चल गया है हुकअप्स का, सिचुएशनशिप्स का, यू नो गोइंग विथ 4-5 पीपल एट वंस, कि आप आज किसी और के साथ हैं और कल किसी और के साथ हैं। मैं बस एक बात बोलना चाहती हूँ कि यार भगवान ने इंसान और जानवर दो अलग अलग चीज़ बनाई है, राइट? हम इंसानों को दिमाग दिया है और जानवरों को नहीं दिया है। तो जैसे जानवर होते हैं कौरी, जैसे जानवर होते हैं तो वो किसी के साथ मेरे चली जाए भाई, मैं ज्ञान दे रही हूँ यार। जैसे कोई जानवर होता है तो वो किसी के साथ भी कर रहा होता है। अगर आप किसी डॉग को देखोगे, किसी बंदरिया को देखोगे या बंदर को देखोगे, सो दे आर एक्चुअली गेटिंग इन्वॉल्व फिजिकली विद 4-5 पीपल। But if that human being is doing this thing, these things, then what is the difference between you and the bandar? आप भी बंदर ही हुए कि आप एक के बाद दूसरी बंदर यहाँ पे लपक लपक के चढ़ रहे हो। You have to be with one person. तुझे काटना पड़ेगा। No, I am not gonna cut this. This is a very serious topic and you should know that. That एक के साथ रहो। Bye guys. पागल है। By the way guys, I want to tell you something that your girl is going to be a judge. Yes, I'm coming to ABS college for fashion show and I am coming as a judge and that is a very big thing for me. और ये सब सिर्फ आप लोग की वजह से हो पाया कि आप इतने सारे लोग मुझे फॉलो करते हो, मुझे इतना पसंद करते हो कि मुझे लोग जज की तरह देखने लगे हैं। एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में वैसे तो कभी जा नहीं पाई मैं, इंजीनियर बन नहीं पाई, अपने पापा का सपना पूरा कर नहीं पाई क्योंकि मेरे पापा हमेशा से चाहते थे कि मैं और गौरी इंजीनियर बने बट उसी कॉलेज में एडमिशन भी ले। बट पापा को मैंने बोला पापा योर गर्ल इज गोइंग एज अ जज टू जज दोज इंजीनियर्स। आई एम सो हैप्पी। मैं लाइव करके आ गई, सूट कर लिया। हाँ मैंने खाना नहीं खाया, प्लीज क्या है, मैं खुद निकाल लूंगी। सब्जियाँ रखी हूँ, बिना मिर्ची चावल सब्जी।
गाइस मेरी मम्मी मेरे लिए बिना मिर्ची का खाना बनाती, मम्मी मेरी सासू माँ बनाएगी मेरे लिए बिना मिर्ची का, जरूर बनाएगी, बनाना पड़ेगा। नहीं ये मतलब नहीं है, मैं भी बनाऊंगी, दोनों बनाएंगे, हम दोनों एक दूसरे का पसंद का बनाएंगे। Yes, guys, it's time to eat my food. भाई मुझे तो इस बात को सोच सोच के प्रेशर आ रहा है कि मैं डेली व्लॉग करने वाली हूँ। हम जा रहे हैं मूवी देखने और गौरी मूवी दिखा रही है, केकरी दीदी के कार्ड से मैं मूवी दिखा रही हूँ। ये हर व्लॉग में होगा क्योंकि मेरा गूगी गूगी है, गूगी गूगी से हाय कुत्तू, हाय एवरीवन। मेरे चाचा एक बात बोल रहे थे कि अभी उन्होंने शेव करा लिया तो उनको 18 प्लस मूवी में घुसने नहीं दिया जा रहा था कि आप बहुत यंग लग रहे हैं। जरा मुंह तो देखो। अरे यार कृष्णा से छोटे लग रहे हो अभी आप, कृष्णा अपनी चिजल जॉ लाइन दिखाओ। चाचा आप कृष्णा से छोटे लग रहे हो, आपको पता है आपको तो आईडी कार्ड ले 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 ना, अभी बर्थडे पे गौरी 21 साल के होंगे चाचा कह रहे थे। गाइस वी आर हियर एट मैकडी, मेरे को पता ही नहीं था इलेक्शन की वजह से मेरी क्लास ही नहीं है, तो हम यहाँ पे मैकडी एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो कर। I love French fries and this ice cream. मैंने तेरे बर्गर मंगवाया था ना, सबको भी बता। गाइस मूवी में अभी टाइम है, सो वी आर ईटिंग, व्हाट वी आर ईटिंग गौरी, मैं भूल गई इसका नाम, यस कॉर्न। मैं खा रही हूँ पुदीना और गौरी खा रही है पंजाबी, मुझे पता है बहुत तीखा होने वाला, खा नहीं पाएगी। तो छोटी बहनें होती हैं, ये इतना खर्चा क्यों कराती है, मुझे बस इतना कोई बता दे। क्या कह रही थी, अभी हॉल में भी जाएंगे? नहीं मैं नहीं खिलाने वाली हॉल में, नो वे ब्रो, नो वे। गाइस टुडे इज नो मेकअप डे। गाइस ये लड़की वॉक कर रही है क्योंकि हमने अभी बर्गर खाया है। ओ गॉड दीज फिटनेस फ्रीक पीपल, आई कांट बिलीव यू दीदी, बर्गर तो इस बर्गर मैंने कहा दीदी यार प्लीज सब देख रहे हैं। अगर हमें भगा दिया गया तो कितनी एम्बैरेसिंग होगी, बात ये कितनी एम्बैरेसमेंट होगी अगर हमें भगा दिया गया। तेरे तो ने पीवीआर खरीद रखा है जल्दी, स्पाइडरमैन देख रहे हम लोग भाई, मस्त खचा खच भरा पड़ा है ब्रो, खचा खच भरा पड़ा। आई एम अ ब्लॉगर, आई एम अ ब्लॉगर। गाइस हम अभी मूवी देख के आए एंड मैं तो लेजिट सदमे में हूं। मूवी इज नाइस, दे हैव शोन वेरी नाइस एंड रियलिस्टिक, ऑब्वियसली रियल स्टोरी है वो, बट आई एम समबडी कैन नॉट प्रोसेस द रियालिटी एंड मैं बहुत सैड हो जाती हूँ ऐसी मूवीज देख के। गाइज फाइनली डे ओवर हो चुका है, मैं और गौरी मूवी देख के आ चुके हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू वैष्णवी श्रीवास्तव। बाय गाइज।